ये आज का मौजूदा इटली है। इटली वही मुल्क है जहाँ से तारीख़ की एक अजीमुशान सल्तनत द रोमन एम्पायर का आगाज़ हुआ था। इस एम्पायर ने ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, अल्जीरिया, बेल्जियम, बोस्निया, बल्गारिया, क्रोटरिया, इजिप्ट, इंग्लैंड, फ्रांस, जिब्राल्टर, ग्रीस, हंगरी, इराक, इसराइल, इटली, जॉर्डन, लिबनान, लीबिया, लक्जमबर्ग, मेल्डोवा, मोरक्को, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, सीरिया, तुनीसिया, तुर्किया, यूक्रेन और वेल्स पर हुकूमत की। 31 BC में इटली के कदीम शहर रोम में अजीम सल्तनत रोम की बुनियाद रखी गई। ये वही एम्पायर थी जिसने 3 बड़े आज़मों पर फैले हुए मुख्तलिफ मुमालिक पर हुकूमत की। इस सल्तनत की बुनियाद ऑगस्टस सीज़र ने रखी, जो कि रोमन एम्पायर का पहला बादशाह था, यानी कि पहला किंग था। आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर ने दुनिया के मज़ीद मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा किया और ये रोमन एम्पायर जो अपने इब्तदाई ज़माने में सिर्फ इटली तक महदूद थी, ये दुनिया के बहुत से मज़ीद इलाकों पर फैल गई और एक ताकतवर सल्तनत बन गई। 117 AD में सल्तनत रोम अपने अरूज पर थी। द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। 286 AD में तारीख की ये अजीमुशान सल्तनत जिसने 3 बड़े आज़मों पर फैले हुए मुख्तलिफ ममालिक पर अपना तसल्लुत कायम किया था, 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। यानी कि ये रोमन एम्पायर अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर में तकसीम हो गई, यानी कि मशरकी सल्तनत रोम और मगरबी सल्तनत रोम। रोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत रोम को ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर में इसलिए डिवाइड किया गया था क्योंकि अपने अरूज के ज़माने में ये सल्तनत एक वसी व अरीज सल्तनत थी, तो उस वक्त के रोमन एम्पायर के एम्परर ने इस एम्पायर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 476 AD में जर्मन ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर पर बहुत से हमले किए। इन हमलों के नतीजे में रोमन एम्पायर कमज़ोर हो गई। वेस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि मगरबी सल्तनत रोम, जो कि अफ्रीका और यूरोप के बहुत से ममालिक पर फैली हुई एक अजीम सल्तनत थी, उसके ऊपर जर्मन ट्राइब्स ने 476 AD में हमले किए और इन हमलों के नतीजे में ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर सरवाइव नहीं कर सकी। 286 AD में रोमन एम्पायर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर में तकसीम हो गई थी। 476 AD के अंदर जर्मन ट्राइब्स ने वेस्टर्न रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया था। 330 AD में ईस्टर्न रोमन एम्पायर के किंग कॉन्स्टेंटाइन I ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एक नया कैपिटल सिटी बनाया जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइनोपल था या कॉन्स्टेंटिनोपल था। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर बेजेंटाइन एम्पायर बन गया था। बेजेंटाइन एम्पायर ने मेडिटेरेनियन सी के साथ लगने वाले खुश्की के इलाकों, इटली, ग्रीस, तुर्किया, नॉर्थ अफ्रीका के बहुत से इलाकों और मशरिक वस्ता के बहुत से इलाकों पर हुकूमत की। 6th century के मिड में तकरीबन 527 में बेजेंटाइन एम्पायर अपने अरूज पर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेजेंटाइन एम्पायर का कंट्रोल कम होते होते सिर्फ एशिया और यूरोप के कुछ इलाकों तक रह गया। अब हम बात कर रहे हैं 1000 के बाद की। तुर्किया का जो पहला नाम था वो अंतालिया या अनातोलिया था, इस तरह का नाम था। तो यहाँ एक सल्जूक डायनेस्टी कायम हुई। 1071 में
बेज़ेंटाइन एम्पायर और सल्जूक डायनेस्टी के दरमियान मलाज़िक्रत के मकाम पर तारीखी जंग लड़ी गई, जिसे द बैटल ऑफ मलाज़िक्रत भी कहते हैं। बेज़ेंटाइन एम्पायर की फोर्सेस तादाद के लिहाज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बेज़ेंटाइन एम्पायर ये जंग सल्जूक डायनेस्टी से हार गया और उसके नतीजे के अंदर अनातोलिया का बहुत सा इलाका सल्जूक डायनेस्टी के हाथ में चला गया। जब तक सल्जूक डायनेस्टी अनातोलिया में कायम रही, बेज़ेंटाइन एम्पायर सल्जूक डायनेस्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि बेज़ेंटाइन एम्पायर ये जंग हार तो गया था, लेकिन बेज़ेंटाइन एम्पायर की मरकज़ी हुकूमत अभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर कायम थी। मलाज़िक्रत की जंग के बाद अनातोलिया पर सल्जूक डायनेस्टी की हुकूमत कायम हो गई। अपने अरूज के ज़माने में सल्जूक डायनेस्टी ने बहुत से ममालिक पर हुकूमत की, जिनके अंदर ईरान, इराक, सीरिया, अनातोलिया और मॉडर्न अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके शामिल हैं। 1241 से लेकर 1243 के दरमियान मंगोलों ने अनातोलिया पर बहुत से हमले किए। इन हमलों के नतीजे में सल्जूक डायनेस्टी कमज़ोर हो गई, लेकिन इससे बहुत पहले सल्जूक डायनेस्टी वैसे ही बहुत से हिस्सों में तकसीम हो गई थी और जो सल्जूक डायनेस्टी का हिस्सा अनातोलिया पर हुकूमत कर रहा था उसे सलाजका रोंग कहते थे। मंगोलों के मुसलसल हमलों की वजह से सल्जूक डायनेस्टी बराए नाम अनातोलिया पर हुकूमत कर रही थी और अनातोलिया में रोज़ छोटी बड़ी हुकूमतें कायम होती रहती थीं। इन हुकूमतों में जर्मियान, करासी, ओटोमान जैसी छोटी हुकूमतें भी शामिल थीं। ओटोमान जो एक बहुत छोटी सी हुकूमत थी जो एक ट्राइब ने बनाई थी, इस ओटोमान ट्राइब ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमत को अनातोलिया के अंदर वसत देने की कोशिश की। ये जो ओटोमान नाम की छोटी सी हुकूमत थी, इसे ही ओटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता पूरे अनातोलिया पर काबिज हो गई और यूरोप के भी कुछ इलाके पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ऑटोमन एम्पायर की इस पेशकदमी ने बेज़ेंटाइन एम्पायर को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने बेज़ेंटाइन एम्पायर का ख़ात्मा करने के लिए और कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्ज़ा करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल का मुहासरा कर लिया। ये वो वक्त था जब ऑटोमन एम्पायर बेज़ेंटाइन एम्पायर से ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। हालांकि बेज़ेंटाइन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर को खराज भी अदा करती थी, लेकिन अब ऑटोमन एम्पायर ने बेज़ेंटाइन एम्पायर पर हमला कर दिया था। इस जंग को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल की मजबूत दीवारों को गिराना भी कोई आसान काम नहीं था। कॉन्स्टेंटिनोपल की मजबूत दीवारों पर बहुत अरसे तक गोलाबारी करने के बाद जब दीवार का एक हिस्सा कमज़ोर हो गया और वहां से शहर के अंदर दाखिल होने का रास्ता बन गया, तो ऑटोमन एम्पायर की फोर्सेस ने कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जाकर शहर को कब्ज़े में ले लिया। इस जंग के ख़त्म होने के साथ ही बेज़ेंटाइन एम्पायर अपने अख्तिताम को पहुंची और बेज़ेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर ही की एक शक्ल थी, तो इस तरह रोमन एम्पायर अख्तिताम को पहुंची।